एक बार TRS जीतने को तो जीत गई, लेकिन ऐसा जीता पूछो ना को, एकदम हारते हारते जीते सरकार या जीते, लेकिन खुशी नहीं है। सो एग्जिट पोल का तो पूरा ऑलमोस्ट उल्टा ही होगा। एग्जिट पोल में बोले कि 80 से 90, 80 टू 90 सीट्स आते बोल के, लेकिन आए कितने 60 से 70। फिर भी चलो खुशियां मना रहे लोग, अपनी MIM तो जीत गई, चलो जीते बोले तो जीते इन लोग, तो इन लोगों का खुशी मनाना तो जायज़ है। एकदम एकदम नाच नाच के लोग खुशियां मना रहे। पूछो है नको कोई कुल तो 40 बोले 40 जीते MIM, ना एक बढ़ के ना एक कम। MIM अपने सुकून से रहती है अपने उसमें, ना बोलते भाई ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, अपने एक जगह सुकून से रहना बोलते MIM। लेकिन TRS को तो एक बार BJP बहुत एकदम खतरनाक, लोग सोचे बने होंगे BJP इतना खतरनाक निकाला, देखो बेचारे इनका जीत के बस से भाई, इनको लोगों से लेना देना नहीं है। लेकिन TRS को बहुत मेहनत करना पड़ता आज के बाद एकदम जीतना पड़े तो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता TRS को। एक बोल तो देख रहे ना आप लोग, BJP जबरदस्त एकदम टक ऑफ और फाइट दी खाला, देखे एकदम प्रैक्टिस कर गए सरकार ने आज खाला को, कलिश मालूम होगा जीतते बोल के। यार अगर काम करे तो जीतते, नहीं करे बोल तो मुश्किल है। अगर काम करे बोल तो लोग खुद ब खुद आके वोट आ देते, नहीं खाली बैठ के हम लोग आखिरी खाली इलेक्शन के टाइम पे GTR की सूरत KCR की सूरत लेके बोल तो बहुत मुश्किल हो जाता। कई बोल तो क्या है, हर जगह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ये देखे ना आप लोग उसको नए नए लोग आ रहे, नई नई चीज़ें कर रहे, तो अब अगले 3 साल जो है TRS को बहुत एकदम बोलना ना एकदम इम्तिहान के खड़ी है ये। 3 साल काम करे तो नेक्स्ट टाइम आते, नहीं तो BJP पूरा ये भी लेके चल जाती। खैर खाला अच्छा नाचे बोल के पूरे ने गले मिल रहे खाला को। खैर खाला अब तुम जीत गए को जीत गए, ये 3 साल आने से 5 साल तुम काम करना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तुम वोट पूछेंगे तो भी नहीं देते लोग। नाच ना करना कुछ भी नहीं, पूरे अगले 3 साल पूरा काम करना पड़ता, सिटी को डेवलप करना, जो जो वादे करे 2 BHK करें दो, नहीं तो बाकी के 2-10 हज़ार जो आने का है पानी का सबको सब चीज़ें दे दिए बोल तो, उसके आगे डेवलपमेंट भी करना बोल तो। रोड अभी भी अच्छे नहीं, हमारे एरिया में अभी भी रोड एकदम फालतू रोड है। तो क्या है कि सर साहब गुजारिश है कि रोड जो भी कौन से कौन से एरिया में एकदम बर्बाद हो गया ना, वह नए नए रोड डालो, जरूरत नहीं है। अब जैसे निकलेस रोड है, निकलेस रोड में हर बार हर 2 दिन को रोड डालते हैं, कहीं को डालते नहीं मालूम, मानते लोग वहाँ फिरते भी नहीं। जो सिटी के प्रॉपर रोड्स है वो रोड हमको अपने वहाँ द्वारा बोलते ना एकदम तवज्जो देना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे खाला तो डांस छोड़ रहे नहीं, एकदम नाच नाच के किराक हो जा रहे खाला, थक गए जीत गए बोल के। अब इतनी खुशी रहती है 5 साल अगले कॉर्पोरेटर एड सर टैंक के अगले 5 साल को, लेकिन काम करना नहीं करे बोल तो मुश्किल। तो जो भी आप लोग हमें देखो वोट वोट सुन के मछली ताले आप लोग वोट नहीं हमें देखो लोग सर के फोटो को एकदम दूध डाल के खुशियाँ मना रही, ये पूरे काम नहीं करना भाई। अपन क्या है डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट करे तो पूरी चीज़ों की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि तुम इलेक्शन टाइम स्पीच देने की जरूरत नहीं है बोल तुम्हें। कि कुल तो डेवलपमेंट करे तो अपने एरिया के लोग खुद ब खुद आके भाई वोट डालते, देखो पूरा दूध की बर्बादी है। ये दूध अगर इन गरीब बच्चों को डाल के रखते तो पीरियड हो जाते थे, और फोटो को डालना फोटो को डालना पूरा गलत है यार। मेरे को ये लगता देखो हर जगह बाहर जाए गीजे डाल के जबरदस्त सेलिब्रेशन चल रहे हैं, पूछे नको ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन चल रहे कोई किस्म के पूरे, उनको क्या करना इससे अच्छा इन लोगों क्या करना था, ये पैसे ले जाके बच्चों के स्कूलों को कुछ लगाना था, गरीब बस्तियों में दे देना था, क्या ऐसे हाईलाइट होते और जीत के भी देखो कैसे अच्छे तरीके से इन जीत को ना रिप्रेजेंट कर रहे बोल के। ये को TRS ऑफिस में था तो TRS खुशी नहीं होंगी ज़्यादा, मान KCR साहब और TRS साहब खुश नहीं होंगे जीत के, तो एकदम ये बॉर्डर लाइन विन है ये, बस इन लोग सोचे 80-90-100 की तो उम्मीद रखे इन, लेकिन आए कितने 60 मतलब 40 सीटें कम आए। तो BJP एकदम बोले ना स्ट्रांग एकदम कंपटीशन दिए, बार अमित शाह इन लोग पूरे आके, अमित शाह अपने मोदी साहब आए, अमित शाह योगी इन लोग पूरे जो आए ना आके एकदम बहुत खतरनाक कंपटीशन दिए इन। खैर जो भी है देखो BJP रहें दो, TRS रहें दो, MIM रहें दो, जो भी है काम करो आपको सीट मिलता, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। अब नाच ले रहे आप लोग अगले बार मुश्किल हो जाता, कहीं को बोल तो क्या है देख रहे ना आप लोग हालत, वोट डालना बोलते हो लोग डेवलपमेंट देख रहे आजकल, पहले क्या सूरत दिख दिख के पार्टी की सूरत दिख के डाल देते थे, लेकिन एक बार उल्टा हो गया। खाला तो पूछो ना को ऐसा नाच रहे पूछो ना को ऐसा नाच रहे नो एकदम इनो क्या सोचे वो टाइम पे 80-100 मार देते बोल के, पूरे 100 का एक बार नाच ले नो, अब नाचो बोलते नहीं नाचते थे कहीं बोलते, बहुत बॉर्डर लाइन विन नहीं है, विन नहीं होता ये। अपने MIM के देखो लोग अपने लोगों से एंटिक, अपने लोगों ने तो पूछे ना कुछ 40-40 आ गया अपने पैसे वसूल बोल रहे MIM वाले। खैर जो भी है MIM वालों को एक बार जो काम करना पड़ता है कुल तो, BJP तो टफ कंपटीशन दी सब जगह, उस जगह सीटें ओल्ड सिटी का भी BJP मार ली, तो क्या है ये बार
मैं वालों को देखना पड़ता कि बोल तो जैसे जैसे पब्लिक पढ़े लिखे हो रहे, जैसे जैसे लोग एडवांस हो रहे, लोगों को क्या सही गलत मालूम हो रहा है। एक जमाने में डाल देते लोग वहाँ वोट, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो क्या है आप लोग समझ जाओ। हेलो गाइस, दिस इज आमिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर द फ्री ट्रैवलर। इलेक्शन का रिजल्ट देखने आप लोग कैसा पलट गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये समझने के लिए गवर्नमेंट के लोगों को कि रातों रात चीज़ें बदल जा सकते, लेकिन आप लोग खाली बातों से या स्पीचों से लोगों का दिल नहीं बदलता। अरे MIM तो जीत गए, लेकिन TRS वालों को तो ये बहुत ही बड़ा टग ऑफ वॉर था। ऐसा जीत था ये कि इन जीत के खुश समझ लेना, अभी भी TRS मेजॉरिटी से जीती मेयर के लिए, अब अलायंस करना पड़ता है MIM के साथ, नहीं तो BJP के साथ मेयर सीट के लिए। तो अगले 3 साल TRS वालों को बहुत मेहनत करना पड़ता जीतने के लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता उन लोगों को। कई को तो देख रहे हैं आप लोग ऐसा खतरनाक कंपटीशन दे रही BJP, लोगों को भी क्या ऑप्शन नहीं है, TRS है नहीं तो BJP है। कांग्रेस तो एकदम पिक्चर के बारे चल गया, अगले बार कांग्रेस जो है आदर्श में आ जाता, क्योंकि कांग्रेस CDP तो एकदम फट गए। तो जो भी है BJP टफ कॉम्पिटिशन है, अगर आप BJP को नहीं लाना चाह रहे ऑल ओवर इंडिया, तो जो भी इंडिविजुअल पार्टी से आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता आप लोगों को जीतना। कई को तो देख रहे हैं आप लोग कितना टफ कॉम्पिटिशन है इलेक्शंस का, देख रहे ना रिजल्ट आ तो पूछो ना को, सुबह से BJP सुबह आगे चले आगे, फिर TRS गए आगे, फिर इन में दोनों साथ में जीते, तो अभी तक भी रिजल्ट खत्म नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो भी है TRS वाले अगर कोई देख रहे तो बहुत मेहनत करना पड़ता आप लोगों को, मेहनत करे तो सीट आपका रिटेन कर कर रहता और आगे और जीतने के चांस रहते, क्योंकि MLA इलेक्शन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि BJP बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन देने वाली है। तो केयरफुल रहो आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, डू लव शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को जितना होता शेयर करो आप लोग, और जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं देख समझ के करो। कोरोना का वैक्सीन नहीं आया अभी, तो बी సిఎన్టీఆర్ స్కూల్లో జరుగుతున్న కౌంటింగ్ ని చూడడానికి నేను మన DCP మాధవపూర్ వెంకటేశ్వరులు, మన BC గారు సుధాంశు, మా ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా కలిసి చేయడం జరిగింది. చాలా ప్రశాంత వాతావరణంలో కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. మనం కూడా అన్ని చోట్ల కూడా చాలా పక్కద్బందీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపు 10 చోట్ల కౌంటింగ్ జరుగుతుంది సైబరాబాద్ ఏరియాలో. అన్ని చోట్ల కూడా మనం కౌంటింగ్ దగ్గర బందోబస్తు కాకుండా బయట కూడా ప్యాట్రోలింగ్ వ్యవస్థని, బ్లూ కోడ్స్ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళంతా ఏరియాలో తిరుగుతున్నారు. అదేవిధంగా 12 చోట్ల సిపి రిజర్వ్ అని చెప్పి ఫోర్స్ పెట్టడం జరిగింది. సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో ముఖ్యంగా మైలార్దేవుపల్లి, రాజేంద్రనగర్, జగదిగుట్ట, జీడిమట్ల, మియాపూర్, KPHB, కూకట్పల్లి, సనత్ నగర్లో కూడా సిపి రిజర్వ్ అని చెప్పి ఫోర్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్స్లో కూడా పికెట్స్ పెట్టడం జరిగింది. సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా రంగంలో దిగినారు. ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, ఎవరు కూడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఇన్వాల్వ్ కావద్దని చెప్పి కోరుతున్నాను. చేస్తే చాలా కఠినమైన చర్య ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కేసు కట్టడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళపైన హిస్టరీ షీట్స్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్క ఈ ఇష్యూలో కూడా వాళ్ళని పైన నిఘా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎవరు కూడా క్యాండిడేట్స్ ఎవరు గెలిచినా ఎవరు కూడా విక్టరీ ప్రొసెషన్ కానీ ర్యాలీస్ కానీ క్రాకర్స్ కాల్చడం అన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను.